ब्रेकिंग, सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव का मामला, सभी गतिविधियों पर पुलिस की नज़र है। 3 DCP, 3 ACP समेत 200 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात। सुबह SRP की एक टीम भी तैनात की गई थी। सभी इलाकों में गश्त शुरू हो गई। पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से निगरानी, अपार्टमेंट की छतें और गलियां, पुलिस की नज़र सड़कों पर जमा होने वाली भीड़ पर है। भीड़ दोबारा न निकले इसके लिए पुलिस लगातार नजर रख रही है। ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहिए स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद। कल 8 सितंबर के दिन वरियावी बाजार है जो लालगेट पुलिस स्टेशन विस्तार में आता है, वहाँ पे एक श्रीजी भगवान की जो मंडप था, जो मंडप पे कुछ छोटी उम्र के बच्चे जो है ऑटो रिक्शा में, चलती रिक्शा में से पत्थर फेंक के वहाँ पे भागने का प्रयास किया। और गत वर्षों का अनुभव के हिसाब से ऐसे सारे जगह पे जो पुलिस डिप्लॉयमेंट किए गए थे, हमारे जो डिटेक्शन स्टाफ पे टीम होते हैं सीवीज, वो लोग भी डिप्लॉयड थे। तुरंत उन्होंने वहाँ पर दौड़ा के वो रिक्शा को पकड़ा और उस रिक्शा में कुल एक ड्राइवर के साथ 6 लोग थे, सभी जो छोटी उम्र के लड़के थे, उनको लेके जो है वहाँ से ला के चौकी, बगल में चौकी है सैयदपुरा चौकी, वहाँ पे लाया गया और तुरंत फरियादी को बुलाया गया कि आप आके तुरंत के विरुद्ध में FIR दीजिए, क्योंकि ये पिछले सालों में भी इस तरह से छोटे बच्चों ने इस तरह से पत्थर फेंका और भी बाद में माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। तो उसी दरमियान जब ये कार्रवाई की जा रही थी पुलिस की, उसी समय रजूआत करने वालों का भी वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ गए। और उसके अलावा जो सातों साथ चूँकि पूरा एरिया जो है मुस्लिम बस्ती के बीच में आता है जो है, तो उधर से भी जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आ गए और उसके बाद हीटेड आर्गूमेंट के बाद वहाँ से पत्थर मारा चालू हुआ। जो मौजूदा जगह पे मौजूद पुलिस अधिकारियों और जवानों ने भी बल प्रयोग किया और टीयर गैस के साथ साथ अपना लाठीचार्ज किया और टोला को वहाँ से बिखेरा और साथों साथ पुलिस की टीम ने चारों तरफ से घेर के जो पत्थरबाज जितने भी थे उनको जगह से भी पकड़ा जो है। और हमारे जो पूरे इस एरिया में कमांड कंट्रोल रूम में जो CCTV लगे हुए हैं उनके माध्यम से, और उसके अलावा जो है जो लोगों के मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग हुई, और उसके अलावा जो जितने भी हमारे कुछ मीडिया के मित्रों ने भी हमें हेल्प किया शांति प्रस्थापित करने में, उनके थ्रू भी जो हमें कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसे मिल गई जिसके बेसिस पे कॉम्बिंग करके कुल 28 जितने आरोपियों को, सब बड़ी उम्र के आरोपियों को हम लोगों ने पकड़ा जो है। और इतना ध्यान रखा कि जितने घर से पत्थर मारा हुए उन्हीं घरों के, वहीं से हम लोग कॉम्बिंग के उन्हीं घरों से उधर ये आरोपी छुपे हुए एक दूसरे के अंदर जो पूरे इस तरह से छुपे हुए थे, इनका ढूंढना भी मुश्किल था, 4-5 स्टोरी घर थे, वहीं से पकड़ा गया। बाकी किसी को भी हैरानगति भी नहीं की गई पुलिस तरफ से, लेकिन सच्चे आरोपी जो सही आरोपी जो पत्थर मारने वाले वो पकड़े जाएँ जिससे उनकी कोर्ट में भी हम उनको एविडेंस प्रॉपर रख के सजा दिला सकें। तो ऐसे कुछ कर कुल 3 वहाँ पे लालगेट पुलिस स्टेशन में अलग अलग गुनाह दाखिल किए गए। पहला FIR जो दाखिल किया गया वो जो इन 6 जुवेनाइल बच्चों के विरुद्ध में दाखिल किया गया जिन्होंने जो है वहाँ पर पत्थर मारा जो मंडप पर, और उसमें जो BNS के सेक्शन है 189, 189(2), 190 जिसमें राइटिंग के साथ जो आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे ऐसा कोई कृत्य करने के कलम है ये जो है। और उसके अलावा जो दूसरा गुना हम लोगों ने दाखिल किया वो जो सरकार की तरफ से जो पुलिस सब इंस्पेक्टर जो ने दाखिल कराया मिस्टर राठौर ने जो है, जिसमें टोड़ा के विरुद्ध में गुना दाखिल कराया जिस टोड़ा ने पत्थर मारा, जिसमें पुलिस जो बीच में पुलिस थी उनको भी इंजरी हुई, साथों साथ कुछ लोगों को भी इंजरी हुई है। उसके हिसाब से जो BNS का सेक्शन 109, 115, 189(1) जो दाखिल किया गया ये अगर IPC के प्रमाण में बात करें तो ये 307 पुलिस के ऊपर असॉल्ट और ग्रीवियस इंजरीज के सेक्शन लगाए गए हैं, और उसमें ही 28 आरोपियों को जो हम लोग अभी डिटेन करके उनके पूछपरछ और बाकी उनके अरेस्ट करने की कामगिरी चल रही है। तीसरा गुना जो दाखिल किया गया वो कतारगाम दरवाज़ा जो लालगेट पुलिस स्टेशन विस्तार में आता है, वहाँ पर ब्रिज के नीचे बहुत पुरानी गाड़ियाँ पड़ी हुई थी, उन गाड़ियों में 2 गाड़ी को जलाया गया और 2 गाड़ियों कांच वगैरह तोड़े गए। तो उसमें जो जो अज्ञात जो टोड़ा था उसके विरुद्ध में गुना दाखिल किया गया जिसमें BNS 189, 190 वगैरह बिगड़े, जिसमें कि जलाना और तोड़फोड़ करने का जो डैमेज टू प्रॉपर्टी जो है इस एक्ट के तहत गुना दाखिल किया गया। इन सभी बनाओं में हमारे पास जो CCTV फुटेजेस हैं, एविडेंस है, उसके हिसाब से हम आने वाले समय जो अभी आरोपी को पकड़ने के और आने वाले समय में भी किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कुल 6 टीमें हम लोगों ने बनाई हैं, एक जो क्राइम ब्रांच SOG स्थानीय पुलिस है, एक टीम हमारा इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रही है, बाकी एक टेक्निकल टीम जो सारे जितने फुटेजेस उस देख के उन आदमियों को जो आइडेंटिफाई कर रही है जो लोग वहाँ पे पत्थर मारा हुआ रहा जो डिस्टर्बेंस करने में वहाँ पे थे,
और बाकी जो टीमें लगी इंट्रोगेशन में, इन बच्चों को भी इंट्रोगेशन करके जो इनके पीछे क्यों, क्योंकि इनका इनका एरिया इस जो भगवान गणेश जी के जो मंडप था वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर का एरिया आता है, तो ये वहाँ क्यों आए, क्योंकि जहाँ पर अभी ये मंडप था वो भी पूरा मुस्लिम एरिया के बीच में, लेकिन वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एरिया बहुत अच्छी शांति से वर्षों से लोग करते हैं, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस कल नहीं हुआ, तो 1 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पर जो किया गया तो उसके पीछे कोई प्री प्लान था या किसने करवाया, क्यों किया, उसके पीछे भी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इनके पेरेंट्स को भी लाया गया है, इनके जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनको भी लाया गया पूछपरछ करने के लिए कि इस तरह के चीज़ें जो हुई किसका इसके पीछे जो है दूरी संचार हुआ करता था। सर ये जो पूरा मामला है, 1 साल पहले भी बच्चों को आगे किया, 2 दिन पहले भी इस तरह का पत्थर मारा हुआ और कल वापस हुआ है, तो क्या ये पूरा प्री प्लान है, आपको क्या लग रहा है सर? इतने बड़े पैमाने पे पत्थर छत पर, घर पर, अन्य जगहों पर कैसे आ सकते? ये इसमें जिस तरह से पिछले सालों में छोटे बच्चे आगे आके इस तरह से किया और उसके बाद जो ये छोटे बच्चे इस तरह करके कंप्रोमाइज़ वगैरह हो गए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड भी किया गया था। अब कोई भी जो एक बार कायदा हाथ में ले तो उसके लिए भी एक्ट है, छोटे बच्चे तो उनके लिए जे एक्ट है, उनके प्रमाण में बहुत सारे जो प्रोविजन है उसके हिसाब से काम करने का, तो ये डिसाइड किया गया, इसीलिए इमिडिएटली फरियादी को लाया गया कि आप FIR दीजिए, इनके विरुद्ध में हम कार्रवाई करेंगे। तो उसी प्रक्रिया जो चौकी पर चल रही थी, गुना जो FIR दाखिल हो रही थी उसी समय का ये है, इसीलिए हम लोग इस बार सीरियसली इनके पीछे जा रहे हैं कि इनके पीछे कौन कौन है कि बार बार छोटे बच्चों को आगे किया जाता है।